नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, शब्दों के आधार पर वाक्य निर्माण करना आज जानेंगे। मान लीजिए विद्यालय का चित्र है और विद्यालय से संबंधित वाक्य हम किस प्रकार से बनाएं, तो कुछ शब्द दिए हुए हैं जैसे उपमने, विद्यालय से, समीपे, भ्रमन्ति, रम्यम, विशालम च, गच्छन्ति, बालका, ये शब्द है। इन शब्दों के आधार पर हमें वाक्य बनाने हैं। और मान लीजिए कि विद्यालय का चित्र है, विद्यालय का चित्र है, तो हम वाक्य बना रहे हैं। जैसे विद्यालय का चित्र है तो पहला वाक्य हम क्या बनाएंगे कि यह चित्र विद्यालय का है, यह चित्र विद्यालय का है। तो यह के लिए हम शब्द यूज करेंगे इदम। फिर नेक्स्ट है चित्रम, तो इसका मतलब हुआ इदम चित्रम, यह चित्र किसका है, विद्यालय का। तो षष्ठी विभक्ति एकवचन मिलेंगे विद्यालयस्य, विद्यालयस्य अस्ति, यह हमारा वाक्य बन गया। इदम चित्रम, यह चित्र। यहां पर इदम शब्द यूज क्यों किया गया, क्योंकि चित्र नपुंसकलिंग है और एकवचन है, इसलिए इदम शब्द का उपयोग किया गया। इदम चित्रम, ये चित्र विद्यालयस्य, विद्यालय का। विद्यालयस्य में षष्ठी विभक्ति एकवचन है और संबंध कारक है। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, विभक्ति चिन्ह, का के की, तो विद्यालय का। अस्ति है, क्या है, चित्र, ये चित्र विद्यालय का है, ये है विद्यालय का चित्र है, या यह चित्र विद्यालय का है। हम किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि इदम विद्यालयस्य चित्रम अस्ति। संस्कृत में हम शब्दों को इधर उधर भी लिख देते हैं तो वाक्य एकदम करेक्ट होता है, ठीक है। जैसे मैंने इसी वाक्य को इस प्रकार से लिख दिया कि इदम विद्यालयस्य चित्रम अस्ति, इस प्रकार से लिख दिया तो भी ठीक है कि यह विद्यालय का चित्र है और यह चित्र विद्यालय का, एक ही बात, ठीक है। दूसरा वाक्य बनाएंगे हम उपवने, उपमने, बगीचे में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है उपमने। तो क्या लिखेंगे कि बालका बालिका से उपवने, उपवने क्रीडन्ति, एक शब्द हमने यूज कर लिया, कौन सा, उपवने। यहां पर विद्यालय से शब्द यूज किया कि लड़के और लड़कियां उपवने बगीचे में क्रीडन्ति, खेलती, ये वाक्य बन गया हमारा बालका बालिकाचे उपवने क्रीडन्ति, लड़के और लड़कियां बगीचे में खेलती हैं। नेक्स्ट वाक्य बनाएंगे हम समीपे, समीप, जिसे लिखेंगे विद्यालयस्य समीपे, विद्यालय के पास में, विद्यालयस्य समीपे, विद्यालय के पास में क्या है, विद्यालय के पास में क्या है, तो लिखेंगे हम साथियों कि उद्यानम अस्ति, विद्यालय के पास में बगीचा है, तो यहां पर समीपे शब्द यूज किया हमने। विद्यालय से समीपे उद्यानम अस्ति, विद्यालय के पास में बगीचा है। नंबर चार भ्रमन्ति, भ्रमन्ति मीन्स घूमते हैं, बालकाः बालिकाः से उपवने भ्रमन्ति, बालक और बालिकाएं बगीचे में
घूमती हूं, ये वाक्य बना। नंबर चार। नंबर पांच लेते हैं हम, रम्यम विशालम च, तो क्या लिखेंगे? विद्यालयस्य भवनम रम्यम विशालम च अस्ति। विद्यालयस्य, विद्यालय का, भवनम भवन, रम्यम विशालम च, सुंदर और विशाल है, सुंदर और विशाल है। नेक्स्ट है हमारा नंबर सिक्स, देखते हैं। बालकाः, बालिका च विद्यालयं प्रति गच्छन्ति। लड़के और लड़कियां विद्यालय की ओर जाती हैं। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।